रामायण प्रणाम मंत्र रामाय रामचंद्राय रामचंद्रायम भद्रा वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः हम लोग वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड बहत्तर अध्याय तक कर चुके हैं और आज से हम लोग तिहत्तर नंबर अध्याय शुरू करेंगे हम लोगों ने इसके पहले दिन देखा कैसे भरत को मामा के घर से बुलाया गया है उन्हें रास्ते में अच्छा नहीं लग रहा है बुरा सपना भी देखा और अयोध्या जब पहुंचे तो देखे यहां चाल पाल नहीं है उनके मन में चिंता छा गई कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है अपनी मां के पास गए कई 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 में एक बचपना था क्योंकि बच्चे लोग इस तरह से ईर्ष्यालु होते हैं आदमी जब बड़ा हो जाता है इतना इतनी ईर्ष्या में नहीं रहती है आप लोग भी देखे होंगे जब बच्चे थे छोटी छोटी बात पे झगड़ पड़ते होंगे छोटी छोटी बात पे एक दूसरे से ईर्षा करते होंगे लेकिन जब बड़े हो जाते हैं हम लोग काफी एक दूसरे को स्थान देना शुरू करते हैं यह बाल मन होता है कई कई बच्ची के समान थी बेटों को देख के उछल पड़ी खुशी के मारे और खुश होकर के बता रही है कि कि मैंने तुम्हारे लिए ये 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 किया हम लोग प्राय जब किसी के लिए काम करते हैं उनको क्या चाहिए ऐसा सोचकर नहीं करते हैं या तो हमें लगता है कि मुझे यह पसंद है इसीलिए यह कर दें या फिर हमें लगता है कि उनको यह पसंद होगा आप कल्पना कर लेते हैं प्राय होता है ऐसा कि हम कल्पना कर लेते हैं कि उन्हें अच्छा लगेगा जबकि उनके लिए हो सकता है विष के समान हो अब प्राय हम लोग ऐसी गलती कर बैठते हैं कभी कभी हो जाता है हम लोगों से अनजाने में और मन अगर परिपक्व नहीं हुआ हो तो उस समय इसी गलती बहुत ही अधिक करते हैं क्योंकि हमें संसार के बारे में पूरा ज्ञान नहीं रहता है कैके नहीं जिसे बतलाया भरत का सर घूम गया वो चकरा कर गिर गए उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा क्या मां क्या बोल रही है और सारी बात सुनने के बाद कहते हैं भरत भरतो दुख संतप्त इदम वचनम ब्रबीत दुख से संतप्त हो गए हैं पिताजी को प्यार करते थे कई के कारण उनकी मृत्यु हो गई श्री रामचंद्र जी को प्यार करते थे कई के एक कारण उन्हें वनवास जाना पड़ा यहां से आज हम लोग जितना करेंगे मूलतः इसमें भरत विलाप है हम लोगों ने एक बार पहले भी आलोचना की थी कि जब वाल्मीकि जी इसकी रचना कर रहे थे चाहे जिस कारण से भी हो उन्होंने भरत का चरित्र अति उत्तम बनाया अति उत्तम यदि भी उनका प्रसंग बहुत अधिक नहीं आता है लेकिन आदर्श भाई के रूप में उनका चरित्र चित्रण जो किया है वाल्मीकि ने अत्यंत सुंदर और आज भी हम लोग कहते हैं कि भरत के समान भाई नहीं हम लोग लक्ष्मण लक्ष्मण कहते हैं लेकिन भरत बिल्कुल एक उदाहरण स्वरूप हो जाते हैं जिस कि हम लोग अभी आगे आगे देखेंगे यहां पर मैं एक बार फिर से स्पष्ट कर दू यह सब कहानी आप लोगों को पता है कि भरत कैसे अपनी मां को डांटते हैं और राजी लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं जिस कारण से काफी असुविधा हो जाती है चारों तरफ और अंत में भरत स्पष्ट कर देते हैं कि वे श्री रामचंद्र जी को ही राज्य देंगे और इसके लिए वो वन वन को जाएंगे हम लोग इन्हीं चीजों को देखेंगे लेकिन वाल्मीकि किस प्रकार देख रहे थे और साथ में हिंदू समाज उसमें कैसा था यह चित्र हमारे सामने स्पष्ट हो जाता है कहते हैं कार्यम हत स्य मम राज्य न शोचता भीन से अत पिता च भ्रात्र पितृ समी के समय संस्कृत बहुत ही आसान था संस्कृत भाषा बाद में पंडितों की भाषा बन गई और पंडित लोग इस भाषा को पूरी चौपट कर दिए अगर आप लोग अपनी मातृभाषा को अच्छी तरह से जानते हैं कोई भी आपकी मातृभाषा हो हिंदी बांग्ला पंजाबी जो भी हो तमिल तेलुगु अगर आप अपनी भाषा को अच्छी तरह से जानते हैं और वाल्मीकि रामायण या महाभारत पढ़ने का प्रयास करें तो थोड़ी मेहनत से आप समझ जाएंगे विशेष करके अनुवाद अगर बगल में हो बहुत आसानी से समझ जाएंगे जैसे ही श्रीमद भागवत में उतरेंगे या कालिदास की रचना में उतरेंगे आपको कुछ नहीं समझ में आएगा संस्कृत भाषा आज जैसे अंग्रेजी भाषा है या हिंदी जैसे है हिंदी भाषा में सब कुछ का समावेश कर लिया जाता है हमने एक दिन सुना बैटरी होती है और ट्रैक्टर आदि में काफी सारी बैटरी लगती है उसका बैटरी काफी बड़ा होता है तो इन लोगों ने एक शब्द बना दिया बैटरा बैटरी स्त्रीलिंग लगता है ना तो बैटरा बना दिया बैटरा कोई शब्द नहीं अंग्रेजी में लेकिन उन्होंने बना दिया और आप कहीं भी अगर जाएंगे जहां पर ये गाड़ी को ठीक ठाक किया जाता है वहां यह बैटरा शब्द बहुत ही प्रचलित शब्द है मुझे इतनी हंसी आ गई जब मैंने पहली बार सुना बैटरा क्योंकि यह जीवंत भाषा है हमारे यहां संस्कृत का बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है तो हमारे यहां एक नए ब्रह्मचारी महाराज हैं तो वो बहुत गर्व से बोल रहे थे कि देखिए अंग्रेजी भाषा संस्कृत भाषा के शब्दों को ले लेती है लेकिन संस्कृत नहीं लेती है तो मैंने कहा मृत व्यक्ति कभी कुछ नहीं खाता है और जो जीवित व्यक्ति है वही मृत चीजों को खाता है अंग्रेजी भाषा जीवित भाषा है संस्कृत भाषा मृत प्राय हो गई है जब तक आप नए शब्दों को लेना नहीं शुरू करेंगे कैसे पता चलेगा कि भाषा जीवित है और भाषा का एक बहुत बड़ा लक्षण होता है कि भाषा जनसाधारण के लिए होती है भाषा पंडितों के लिए नहीं होती है वाल्मीकि की भाषा जब पढ़ेंगे तब लगता है कि अरे गली गली में यही भाषा बोली जाती थी लोगों की मातृभाषा संस्कृति दे, देख कर क्या लगता है कि इतनी सहज सरल भाषा दो चार शब्द अगर आप संस्कृत के जान जाए तो इन श्लोक को समझना कठिन नहीं रहता है और अगर कठिन भी अगर आप अनुवाद अगर ले लें बहुत आसानी से समझ जाएंगे लेकिन पिछले 2000 सालों में जो रचनाएं हुई हैं देखेंगे उसकी भाषा बहुत कठिन हो जाती है पंडित लोगों के हाथ में भाषा पड़ गई सर्वनाश कर दिया उन्होंने भाषा का किंग नुक अरे मां तूने मुझे मार डाला मुझे ही मार डाला मैं पिता से सदा के लिए भी छोड़ गया और पितृ तुल्य भाई से अलग हो गया मृत्युम आपादितो राजा त्वया में पाप दर्शिनी मां को बोल रहे हैं पाप सुखम सुकम हुआ था कुल स्मिन कुल अपनी मां के नाम में बहुत कड़ी कड़ी भाषा का प्रयोग करते हैं भरत यहां उद्देश्य मां के नाम में क्या बोल रहे हैं या कहना नहीं है उद्देश्य है यह दिखाना कि किस तरह से देखा जाता है और कुछ कुछ शब्द हैं यहां पर जैसे यहां कैकी के नाम में कह रहे हैं भरत पाप दर्शिनी जिनकी दृष्टि पापमय हो गई है जिन्हें केवल पाप में ही अच्छा नजर आता है और जहां शुभ में भी उसे पाप ही नजर आता है दृष्टि पापमय हो गई है पाप दर्शनी ये सब देखेंगे संस्कृत 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 शब्द जो है कृ धातु से आता है करना और सम्यक जब लग जाता है सम जब लग जाता है इसका विशेष रूप से जिसको संस्कार किया गया है जिसे साफ सुथरा बनाया गया है तो संस्कृत जन भाषा थी एक समय में लेकिन बहुत सहज सरल थी और इतने सुंदर शब्द आपको दूसरी भाषा में आसानी से नहीं मिलेंगे पापिनी नहीं दर्शनी कह रहे हैं पाप दर्शनी, दर्शनी जिसकी दृष्टि ही पाप में हो गई है जिसकी बुद्धि ही पाप में हो गई है और उसे पाप में ही अब सब कुछ शुभ नजर आता है और शुभ जहां है वहां उसे पाप ही पाप नजर आता है हम लोग अंग्रेजी में भी बोलते हैं योर माइंड इज कलर्ड योर विजन इज कलर्ड हम लोग कहते हैं कलर्ड विजन कलर्ड माइंड यहां पर कलर्ड नहीं बोल रहे हैं विशेष करके बोल रहे हैं पाप दर्शनी यानी शुभ में उसकी दृष्टि नहीं है गलत चीज में ही उसकी दृष्टि है आप देखेंगे समाज में ऐसे लोग ही आपको अधिक मिलेंगे गलत काम करना गलत सोच में रहना गलत उपाय से धन प्राप्ति करना या सब कुछ गलत 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 ही करें ये लोग सब पाप दर्शन है बुद्धि भ्रष्ट हो गई है कलुषित हो गई है हम जिसको बुद्धि कलुषित होना कहते हैं इसे यहां पर पाप दर्शनी करें विनाशी तो महाराजा पिता में धर्म है, मेरे पिताजी तो धर्म थे उसका विनाश क्यों किया तुमने आश्चर्यजनक यह है कि कौ कहीं कई कही कई यहां जितने सारे भी अध्याय आते हैं के बाद एक कई कई कहीं भी कोई उत्तर नहीं देती है क्यों क्या वाल्मीकि ने पता नहीं ऐसा क्योंकि साधारणतः कोई भी लेखक या कवि जब इस तरह की रचना करेंगे तो जो प्रतिपक्ष है उनको भी कहने का मौका दिया जाता है लेकिन यहां पर चाहे जिस कारण से भी हो मौका नहीं दिया गया है जो कुछ है भरत 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 जैसे लगता है कि ये कुछ अध्याय जो है इसके मूल नायक भरत हैं यहां पर किसी भी दूसरे जो गौण चरित्र है उसका कोई स्थान नहीं है साधारणतः तो से किसी भी रचना में मूल चरित्र होते हैं और गौण चरित्र होते हैं तो यहां गौण चरित्र कोई कोई स्थान नहीं है कई कई का तो कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया लुप्त आया विदितो तो मनिए हम राघवम यथा तो लोभीन है तुम्हारा मन लोभ में पड़ा हुआ इसलिए तुम्हें नहीं पता है कि मैं श्री रामचंद्र जी को कितना प्यार करता हूं कितना सम्मान करता हूं जैसा कि हमने बतलाया एक बार हम लोग देखे थे कि घटना है हम लोग एक बहुत सीनियर स्वामी जी थे तो उनको कुछ समस्या थी स्वास्थ्य गति ये सब संस्कार वश। तो यहां, बंगाल में ही किसी गांव में गए हुए थे तो प्रसिद्ध स्वामी जी थे तो उन्होंने खाने के समय एक दो चीज के बारे में मना कर दिया कि ये मैं नहीं खाता हूं तो वहां पर एक नवागत ब्रह्मचारी था नया ब्रह्मचारी रामकृष्ण मिशन में ब्रह्मचारी होता है जो शुरू में नौ साल सफेद कपड़ों में रहते हैं अब उसे लगा कि अरे इतनी प्यारी चीज है ये ले क्यों नहीं रहे तो बस ऐसे देखता रहा वैसे देखता रहा ऐसे देखता रहा वैसे देखता रहा और ले जाकर के जैसे ही स्वामी जी की दृष्टि जरा सा दूसरी तरफ गई और फट से ले जाकर के उनकी पत्तल में डाल दिया परेशान हो गए हम लोग पहले गुजरात में एक प्रथा थी कि कोई अतिथि अगर आए अतिथि को अगर अधिकतर संज्ञा जो मैंने अधिकतम सम्मान आप दे सकते हैं आप लोगों ने हिंदी में एक मुहावरा सुना होगा दांत काटी रोटी तो जिनको सम्मान देना है तो गृह स्वामी मुंह से कुछ काटेंगे मुंह में लेंगे और फिर वो मुंह से निकाल करके या हाथ से हाथ में जो कटी हुई है जूठा जो हो गया है वो अतिथि के पत्तल में देंगे यानी आप मेरे सबसे सम्मानित हैं। तो गुजरात में उसमें रामकृष्ण नहीं था एक स्वामी जी गए हुए थे तो उन्होंने इस चीज से सावधान करने के लिए पहले ही बोला कि आपको जो भी मुझे देना है, आप एक बार में मुझे दे दीजिए तो उन लोगों ने दिया गृह स्वामी बैठे हुए हैं अब सम्मान दिखाने के लिए बोले स्वामी जी यहां पर आए हम लोग इतना प्रसन्न है बस वो लिया और काट करके वो जो झूठा है उनकी पत्तल में डाल दिया अब वो क्या करेंगे हाथ जोड़ के बोले देखिए मैं सन्यासी हूं झूठा मैं नहीं खा सकता हूँ खाना छोड़ देना पड़ा उन्हें उसी तरह तो से हम लोग के अरुणाचल प्रदेश में प्रथा है कोई अतिथि अगर आता है तो उसे शराब दी जाती है अपोंग वहां का राज्य में ही बनता है चावल के हड़िया से बनाते हैं जैसे झारखंड आदि में हड़िया बोलते हैं हड़िया तरह का है और अगर आपने स्वीकार नहीं किया जब आपको दिया गया वो जो बांस को काट करके उसका पात्र बनाते उसमें देते हैं तो वो तुरंत आपका गला काट देंगे यानी आपने उसको अपमान कर दिया है अब रामकृष्ण के, के सन्यासी सब तो छुएंगे नहीं लेकिन कामकाज के कारण उन्हें जाना पड़ता था तो पहले से वहां बोल दिया जाता था कबीले के जो नेता होते थे उन्हें बोल दिया जाता था कि देखो इन्हें अपंग मत देना <coughs> लेकिन उन लोगों की प्रथा है तो उसके बाद एक समझौता हुआ वो देंगे आप लेंगे सर से लगा कि उसको छोड़ देंगे समस्या हो जाती है लेकिन यहां कई कई लोभिन है इसने जो कुछ भी किया अपनी प्रथा के अनुसार नहीं लोभ में पड़ के किया और भरत इसलिए बहुत नाराज हो गए हैं क्योंकि उसे था कि उसे राजमाता बनना है अहम ही पुरुष व्याघ्रो अपश्यन राम लक्ष्मणों के न शक्ति प्रभावे न आदि कवि महाकवि वाल्मीकि की भाषा इतनी सुंदर है भरत करें राम और लक्ष्मण व्याघ्र के समान है ये अगर यहां नहीं रहेंगे अगर मुझे राज्य चलाना भी पड़ता है तो किनकी शक्ति के सहारे में चलाऊंगा के ना शक्ति प्रभावे ना देखिए हम लोगों को प्राय लगता है कि कोई कोई व्यक्ति बोलते हैं सेल्फ मेड मैन मैंने अपनी राह स्वयं बनाइए बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसा अभी बीच में बहुत सारा हंगामा हुआ था न्यूज में मैं देखता था वो सिनेमा उन्हें उसमें बोलता था कि यहां पक्षपात होता है तो लोग कहते हैं कि हम लोग अपने पैरों पर खड़े हैं ऐसा नहीं होता है सहायता तो आपको किसी की लेनी ही पड़ेगी चाहे मां पिताजी की आप सहायता लें भाई बंधु की सहायता लें या भगवान की सहायता लें जो लोग सोचते हैं कि मैं अपने बल पर मैंने इसको किया है उन्हें भी भगवान की सहायता मिल रही होती है और यह अहंकार कि सब कुछ मैंने स्वयं किया है यह विनाश का कारण होता है जो समझदार व्यक्ति है हम लोग पहले के दिनों में देखते थे गांव घर में अगर कोई उत्सव है कोई विशेष पूजा है घर में शादी है उपनयन है तो इस घर के जो बड़े हैं गांव के दूसरे बड़े बूढ़ों के पास जाकर के वो हाथ जोड़ के कहेंगे कि देखिए मैंने यह यज्ञ ठान लिया है अब आपकी सहायता के बिना तो हम लोग इसको नहीं कर सकेंगे क्योंकि यह सत्य है हम लोग सामाजिक प्राणी हैं घर में भी हम लोग जब रहते हैं कोई पति तभी सफल होगा जब उसकी पत्नी शक्ति के रूप में उसे सहायता कर रही है आप लोगों को पता नहीं होगा भारतीय सेना में भारतीय सेना में जो जनरल होते हैं जो टॉप कमांडर होते हैं उनका अगर डिवोर्स हो गया है या शादी नहीं की है तो उन्हें जनरल नहीं बनाया जाता है विशेष करके अगर डिवोर्स हो गया है तो कहने का भाई आप अपनी पत्नी को ही नहीं संभाल सके आप सेना को क्या संभालेंगे लेकिन दूसरा और एक है इसमें कहते हैं कि जो फर्स्ट लेडी होते हैं होती है जो कि साथ में खड़ी रहेंगी यह शक्ति सूचक होती है विशेष करके धर्म पत्नी जो होती है ये शक्ति सूचक होती है इनकी शक्ति के बल पर आप बड़े होते हैं यहां पर भरत करें राम और लक्ष्मण राम और लक्ष्मण के बारे में शक्ति प्रभाव है न उनकी शक्ति के प्रभाव से ही मैं चला था अगर मैं स्वयं भी चल, चलाऊं अगर मान लिया जाए कि मैं चलाऊं तो उनकी शक्ति के ही प्रभाव से मैं चलाऊंगा या बात तुमने क्या किया आ, सब श्लोक नहीं करें करने की आवश्यकता नहीं है नमे विकांक्षा जाए त्य पाप निश्चयाम देखो यदि रामस्य नापेक्षा तो सदा मुझे पता है कि श्री रामचंद्र जी तुम्हें मां के समान देखते हैं अगर श्री रामचंद्र जी तुम्हें मां के समान नहीं देख रहे होते तो तुम्हें यहाँ पहले हम लोग पापदर्शी नहीं था यहां पर आ गया पाप निश्चया जिसका निश्चय हमेशा पाप में होता है उनको जो कुछ भी करना है या निश्चय जो किया जाता है उसको निश्चय कहते हैं वह पाप से कलुषित रहता है ये लोग वैसे वही करेंगे जो पापमय हो शुभ में कभी नहीं करेंगे और चूंकि फल मिलने में इन्हें देर लगती है फल तो तुरंत मिलता नहीं है बुरे कर्मों का भी फल तुरंत नहीं मिलता है समय लगता है। इन्हें लगता है। है इन्हें कि मस्त है। कितने सारे हम लोगों ने देखा ये राजनीति में भी कितने लोगों को देखा क्षमता में आ गए तो बस हिंदू धर्म का जो कुछ है उसे गाली देना जो कुछ भी शुभ है उसको कोसना वो तो कहा उड़ गए सब एक के बाद एक लोग पाप निश्चय वाले हैं पुराने पुराने पुण्य के बल पर क्षमता में तो आ जाते हैं लेकिन या तो पाप दर्शन है पाप निश्चय वाले हैं शीघ्र ही विनाश हो जाता है फिर सोचते हैं कि विनाश क्यों हो गया बैठ करके कोसते रहते हैं कहते तुम्हें त्यागने में मुझे जरा भी इच्छक नहीं होती उत्पन्ना तु कथम बुद्धि तवे पाप दर्शिनी फिर से वो पाप शब्द आता है उत्तम कुल में तुमने वो जन्म लिया है तुम्हारे पिताजी के नरेश तुम में यह पाप पर दृष्टि रखने वाली बुद्धि कहां से आ गई तुम इतनी गिरी कैसे हो गई कुले ही सर्वेशा ज्येष्ठो राज्य अभी शीचित हमारे कुल में नियम है जो सबसे बड़ा है उसी को राजा बनाया जाता है हम लोगों ने पहले पहले इसके बारे में बात की है हिंदू धर्म हिंदू धर्म मूलतः कुल धर्म पर चलता है मूलतः हिंदू धर्म के ग्रंथ आदि इतनी विपुल मात्रा में है इतने विशाल हैं कि साधारण व्यक्ति के लिए उस सबको पढ़ना और सबका आचरण में लाना संभव नहीं होता है इसीलिए ये लोग किसी ऋषि मुनि की शरण में जाते हैं उनके शिष्य बनते हैं और उनकी जो जीवन धारा है उसके अनुसार भी खुद स्वयं चलते हैं एक ही ऋषि को पालन करने वाले गोत्र कहलाते हैं समगोत्री है। हिंदी में गोतिया भी कहते हैं गोतिया गोत्र से आता है समगोत्री एक ही गोत्र के हैं एक परिवार के हैं ये लोग चाहे जहां के भी हों जैसे कश्यप है भारद्वाज आदि है ये लोग सभी एक ही तरह का करते हैं साथ में जहां पर रहते हैं वहां पर जैसे जैसे जो नियम पालन होता है जो व्रत आदि पालन होता है उसको मिलाकर के बनता है कुलधर्म और इसलिए आप देखेंगे शादी बंगाल में जैसे होती है पंजाब में वैसे नहीं होती है तो लोग कहते हैं अरे आप लोग सभी हिंदू हैं ऐसा क्यों होता है हिंदू में शादी जब ही होगी अग्नि को साक्षी रख करके शादी होती है लेकिन बाकी जो कुछ है वह कुल धर्म के अनुसार चलता है कुल धर्म हिंदू हिंदू धर्म में कुल धर्म का बहुत ही अधिक महत्व है कुल धर्म के बाद आता है जाति धर्म जो काम आप करते हैं बहुत सारी जाति के बारे में बातें होंगी जाति धर्म आता है और इसके बाद वर्ण धर्म आश्रम धर्म सब मिला करके हिंदू धर्म बनता है इसलिए हिंदू धर्म में क्या है मूल है ईश्वर की ओर तुम्हें बढ़ना है मुक्ति की ओर बढ़ना है यह मूल बात है बाकी सब आप कुछ भी करें इन लोगों को कोई मतलब नहीं है यह किसी भी समय इसको बदला जा सकता है कोई भी ऋषि मुनि अगर आए इसको बदल दे सकते हैं इसलिए लोग जब मनुस्मृति मनुस्मृति के नाम में गाली सुनाते हैं उन्हें यह नहीं पता है कि मनु ने कभी नहीं कहा कि तुम्हें ऐसा ही करना है मनु स्पष्ट कहते हैं और हमारे यहां जितने भी स्मृति शास्त्र है उसका नियम है कि जब आवश्यकता हो समाज समय का परिवर्तन जब हो जाता है आप स्मृति को बदल देंगे जैसे ये जो वर्णाश्रम धर्म है ब्राह्मण क्षत्रिय आदि और ब्रह्मचर्य गारस्यादि कोई मायने नहीं रखता है जिससे कि हिंदू धर्म नष्ट हो जाएगा कभी नहीं हिंदू धर्म मुक्ति का संदेश देता है हिंदू धर्म एकात्मता का संदेश देता है या कभी नहीं बदलेगा तुम स्वयं मुक्त हो जाओ जन्म मृत्यु के चक्र से साथ में जो तुम्हारे आसपास है उन सबको भी मुक्ति के पथ पर ले चलो ये हिंदू धर्म है और बाकी आप क्या मानते हैं आप मछली खाते हैं कि नहीं मांस खाते हैं कि नहीं आम खाते हैं कि नहीं लीची खाते हैं इससे कोई मतलब नहीं है एक बार मैं कानपुर में था वहां पर हम लोग कुछ वो मोबाइल डिस्पेंसरी चलाते थे वहाँ एक सज्जन बैठे थे कैसे हम लोग सारा दिन वहां बैठे थे कुछ लोग केले दे गए तो मैंने उन्हें भी दिया तो बोला कि नहीं स्वामी जी मैं केला नहीं खाता हूं केला क्यों नहीं खाते बोला कि नहीं मैं वहां उस मंदिर में गया था वहां वो शिव जी को मैंने केला चढ़ा दिया यानी अब इसके बाद मैं कुछ नहीं खाऊंगा मुझे तो इतनी जोर की हंसी आई देखिए यह हिंदू धर्म जाकर के बोल दिया मैं केला चढ़ा दिया नवरात्र के समय देखेंगे लोग विचित्र विचित्र चीज करते हैं बोलेंगे मैं शेविंग नहीं करूंगा नौ दिन कोई बात हुई आलसी लोग ऐसा करते हैं मूल चीज है त्याग वैराग्य में प्रतिष्ठित होना लेकिन ठीक है अब नौ दिन के लिए अगर आपने चाय पीना छोड़ दिया तो अच्छी बात है मांस मछली खाना प्याज खाना छोड़ दिया अच्छी बात है जो चीज आपको पसंद है कुछ दिन के लिए आपने छोड़ लिया अच्छी बात है कुछ तो संयम आया मन में कुछ तो शक्ति बढ़ी आपकी लेकिन हिंदू धर्म कभी इन चीजों पर बहुत अधिक जोर नहीं डालता है ये महत्वपूर्ण नहीं होते हैं अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो सर्वनाश हो जाएगा और धर्म का नाश हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है अयोध्या में करें उनका जो कुल है इसकी रीति यही है जो बड़ा है वही पाएगा हम लोग देखते हैं जब मुगल लोग राजा हुए तो वहां पर हो गया कि जिसकी शक्ति अधिक है वही राजा बनेगा उन लोग रीति थी जो भी प्रतिद्वंद्व है या तो उसे जेल में डाल दो इसका गला काट दो कदम का झंझट साफ लेकिन यहां की रीति है जो बड़ा है वही राजा बनेगा और वापस जाते हैं तवापीसु महाभागे जनेन्द्र कुलपूर्व के इतने महाराजा राजा केके के घर में जन्म लेकर के तुमने यह क्या कर दिया तुम्हारा विचार इतना पापपूर्ण है मैं तुम्हारी इच्छा कभी पूरी नहीं करूंगा और तुमने ऐसी विपत्ति मेरे लिए खड़ी कर दी है कि जो मेरे प्राण तक ले सकती है राजा दशरथ चले गए रामचंद्र जी चले गए और मैं चारों तरफ सब खुल गया मैं जिनके आश्रय में था मेरा आश्रय ही समाप्त हो गया अब कुछ भी हो सकता है मेरे साथ तो वो यह पता भी नहीं है कि तुम भला मेरा भला करने जा रही थी बिना समझे बूझे लेकिन असल में तुम्हारी दृष्टि में थी और इस कारण से तुमने मुझे महान विपत्ति में डाल दिया अब मैं तुम्हारा अप्रिय करूंगा और रामचंद्र जी को मैं वन से वापस लाऊंगा और उनका मैं दास बनकर रहूंगा तुम्हें यह जो पाप बुद्धि थी यह जो बुद्धि थी इससे मैं पूरा नहीं होने दूंगा इसके बाद वाला अध्याय उसमें भी यही चीजें चल रही होती है ऐसा दो अध्याय उन्होंने क्यों लिखा पता नहीं क्योंकि दुख एक ऐसी चीज है कहते आदमी को अगर दुख नहीं होता तो दुख बाजार में बिकता दुख एक ऐसा रस है कि पता नहीं क्यों लोग इसे आस्वाद कर इतना खुश क्यों होते मुझे समझ में नहीं आता है जीवन में इतना दुख है चारों तरफ दुख ही दुख है यूनान में ग्रीस देश में वहां पर एक समय था जब काफी ड्रामा आदि लिखे जाते थे और उसमें अधिकतर में ट्रेजिडी ही होते थे उसका नाम ही था ग्रीक ट्रेजिडीज और मुझे कभी नहीं समझ में आता था कि लोग पैसा खर्च करके ये ट्रेजेडी दुखांत चीज को देखने के लिए क्यों जाते थे अभी भी लोग कहेंगे वो सिनेमा है क्या ट्रेजिडी है उसमें अरे तो भैया रोना है तो घर में तो ऐसे ही रोना पड़ता है चारों तरफ इतना दुख है कि रोना ही रोना है पैसा खर्च करके सिनेमा हॉल में जाकर के उसको देख करके आंसू क्यों बहाना है शायद आदि कवि के समय भी ऐसा ही कुछ रहा होगा इसलिए इस तरह के वर्णन वर्णन जो है वे करते ही चले गए हैं कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने या दशरथ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि इकट्ठा दोनों को पार कर दिया यही कह रहे हैं कि तेरे कारण मेरे पिताजी की मृत्यु हुई श्री राम को वन आश्रय लेना पड़ा और मुझे भी तूने इस जीव जगत में अपयश का भागी बना दिया क्योंकि अगर भरत राजा बनते हैं तुझे तो अपयश ही मिलेगा कि देखो इसकी मां ने इसके लिए ऐसा किया और कह हैं कि तुम अपने पिताजी के कुल की नहीं हो तुम कोई राक्षसी हो जो स्कूल में जाके जन्म लियो अंग प्रत्यंग ज पुत्रो हृदया च अभिजाते जो पुत्र होता है पुत्र या पुत्री कन्या यह माता के अंग प्रत्यंग और हृदय से उत्पन्न होता है इसीलिए वह मां को बहुत प्यारा होता है बेटा या कन्या बेटा बेटी मां को बहुत प्यारा होता है क्योंकि उसके अंग प्रत्यंग हृदय से निकला हुआ रहता है कहते तो हैं कि कोई भी नारी उसके लिए भाई बंधु आदि जो भी हैं ये सब प्रिय होते हैं लेकिन संतान प्रियतर है संतान पर एक अधिकार होता है मां का क्योंकि मां के ही अंग से बनता है यहां पर एक बहुत सुंदर कहानी बोलते हैं कि कहानी बहुत प्रचलित साधारण कहानी है हो सकता है कि आप लोगों को नहीं पता हो लेकिन बहुत मार्मिक कहानी है हमारी पुराण कथाओं में कहते हैं कि भगवान ने जब सृष्टि की तो कुछ कुछ दैवी प्राणी जन्म लिए जैसे पक्षियों में गरुड़ उन सब की थी विनीता उसी तरह से सांप आदि जो जन्म लिए उनकी माता थी कद्रु ये लोग सब दिव्य पुरुष हैं उसी तरह से जो गाय भैंस है इनकी माता थी सुरभि सुरभि भी गाय है लेकिन देवताओं की गाय है और कहते हैं कि जितनी भी गाय है ये उन्हीं की संतान है गाय बैल बछड़े और कहते हैं ये जो देवी देवता है ये स्वर्ग से देख रहे होते हैं अपने बच्चों की ओर कुछ कर नहीं सकते हैं अभी मेरी नई किताब आने वाली है क्रतु कुछ महीनों में आ जाएगी किताब तैयार है कोरोना की लटकी हुई है मैंने इस भाव को लाया था कि वहां एक होमा पक्षी है और वो कैसे कैसे गिर जाता है पृथ्वी पे फंस जाता है और उसकी मां परेशान है नियमित इंद्र के पास जाकर के झगड़ा कर रही है तो कहते हैं कि सूर्य कामधेनु जिसे कहते हैं स्वर्ग से देखी कि उसकी दो संतान दो बैल वो हल जोत रहे हैं भारतवर्ष में ये हल जोतना है दो बैल मिलकर हल जोतना बहुत पुरानी प्रथा है अब तो ट्रैक्टर आदि आने के बाद बातें बदली है लेकिन हजारों साल से वही एक ही प्रथा चली आ रही है ये दोनों बैल भूखे प्यासे मेहनत किए जा रहे हैं मेहनत करते करते अचेत हो गए बहुत समय लोभी किसान रहते थे या गरीब रहते थे बैल को ठीक से खाना भी नहीं खिलाते थे उन्हें देखकर सुरभि रोने लगी स्वर्ग में और कामधेनु जब रो रही है तो उसके आंसू सुगंधित आंसू हैं साधारण आंसू नहीं है वे आंख से टपक पड़े तो इंद्र देवता देखते हैं या सुगंध कहां से आ रही है तो उन्होंने ऊपर देखा तो देखते हैं कि सुरभि रो रही है इंद्र उद्विग्न हो गए इसी सब कारण से हिंदू समाज में गाय को काफी सम्मान दिया जाता है हमारी जो कथा कहानियां है ना इसमें देवता लोग भी गाय को सम्मान देते हैं तो कहते हैं इंद्र घबरा के कहते हैं कि हम लोगों से कोई गलती हो गई है आप इस तरह से रो रही हैं और सुरभि ने तब बतलाया कि ये जो मेरे दोनों संतान है बैल इनके लिए मैं रो रही हूं एतोदृष्टवा कृषो दीनो सूर्य रश्मि पितापितो ये मेरे दोनों जो बालक हैं दो बैल दुर्बल हैं दुखी हैं और उसमें देखिए गर्मी का समय है सूर्य की किरणें इन्हें तपा रही है कष्ट पा रहे हैं और यह जो किसान है दुष्ट यह पिटाई कर रहे हैं इनकी क्योंकि चल नहीं पा रहे हम लोग के जीवन का भी यही हाल रहता है तो तो कहते हैं कि यो दृष्टवा परित परितप्य हम नास्ति पुत्र सम नास्ति नास्ती पुत्र समप्रिय आप इसको लिख ले सकते हैं पुत्र और पुत्र यहां दोनों समान है कहते हैं कि इनके संताप को देख करके कर मैं रो रही हूं पुत्र के समान कोई प्रिय नहीं होता है सुरभि के ये सीधे संतान नहीं है लेकिन सुरभि देवी गाय है जितने भी गाय हैं सब उन्हीं से निकली है इसलिए संतान के रूप में देख रहे भगवान भी हम लोगों को देख करके दुखी होते हैं हमारे दुख को देखकर दुखी होते हैं और इसीलिए हम लोग हम लोगों को दुख से दूर करने के लिए अवतार बनकर आते हैं अवतार बनकर आते हैं दुष्ट का नाश करने के लिए नहीं दुष्टता का नाश करने के लिए दुष्टता का नाश करने के लिए, लिए। धर्म पथ दिखाते हैं धर्म पथ सिखाते हैं और कहते हैं कि इस धर्म पथ पर अगर चलोगे तुम्हारा मन इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि संसार की आंच तुम्हें परेशान नहीं कर सकेगी भगवान को ही कष्ट होता है भगवान कृष्ण देखिए कारागृह में उनका जन्म हुआ मां पिताजी जेल ही जेल में रहे और खुद ग्वाले की तरह थे क्षत्रिय बड़े हुए ग्वाले की तरह गाय चरा रहे हैं बछड़ा चरा रहे हैं और जीवन भर लड़ाई ही करते रहे कंस से परेशान होकर के मथुरा से उन्हें राजधानी बदल लेनी पड़ी कभी शांति रही नहीं भगवान कृष्ण के जीवन में राम अवतार में आए उनकी पत्नी का ही अपहरण कर लिया गया सीता का अपहरण कर लिया गया और बिना कारण चौदह वर्ष तक उन्हें वन वन भटकना पड़ा अवतार भी जब आते हैं यह संसार उनकी नाक में नकेल डालकर अच्छी तरह से घुमाता है जीसस क्राइस्ट आए उनको क्रूस पर चढ़ा दिया गया क्रूस भी कर दिया गया भगवान बुद्ध आए भिक्षा ही मांगते रह गए अवतार भी जब आते हैं इस संसार का शोक ताप उन्हें भी अच्छी तरह से जलाता है लेकिन वे जलते नहीं है क्योंकि उनका मन इस संसार से बाहर रहता है और वे जब शिक्षा देते हैं यही शिक्षा देते हैं अपने मन को शक्तिशाली बनाओ अपने मन को स्वाधीन बनाओ संसार की आंच तब तुम्हें नहीं लगेगी यह या संसार यात्रा करते करते जब तुम आगे बढ़ोगे धीरे 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 उस पार चले जाओगे अगर अपने को स्वाधीन नहीं बनाए अगर अपने को शक्तिशाली नहीं बनाए संसार की आंच से जलते ही रहोगे रोते ही रहोगे भगवान दुखी होंगे जरूर लेकिन आपको निकालेंगे नहीं नहीं निकाल नहीं सकते हैं उनकी सृष्टि है इसी है माया में, आपको स्वयं निकलना पड़ेगा सूर्य रो रही है अपने इस दो संतान के लिए तो कहते हैं कि इंद्र को तब समझ में आया कि नहीं सच में न सुतान मन्यते परम बेटे से बढ़कर के प्रिय और कोई नहीं होता है और साथ में उन्होंने सूर्य को श्रेष्ठ तब माना जो इस तरह से अपने संतान के लिए श्रुपात कर रही है तो कहते हैं कि यह सुरभि इसके हजारों संतान है बैल भरे हुए हैं उसमें भी दो को थोड़ा कष्ट हो रहा है इसके लिए सुरभि रो रही थी घौसल लिया इन्हें तो बस एक ही संतान थी एक ही बेटा था कौशल्या का क्या दुख होगा जरा सोचो तुमने क्या किया ये कौशल्या कैसे जीवित रहेंगी राम के बिना सोचो एक बार कहते हैं तुमने मां को बोल रहे हैं तुमने कौशल्या का विषो करवाया है तुम इस लोक में परलोक में दुख ही दुख पाओगी बेटा मां को अभिशाप दे रहा है कहते है कि मैं यह राज्य लौटाकर भाई की पूजा करूंगा इत्यादि इत्यादि और मैं स्वयं चला जाऊंगा प्रविश व स्वयं व विष्वंड कान रज्जुम बदवा तवा कंटे नहीं तेनित नित पारायणम बेटा मां को बोल रहा है कही कही मां तुम जलती आग में प्रवेश कर जाओ तुम बन में चली जाओ गले में रस्सी बांध कर झूल जाओ या विष पान कर इसके सिवा तुम्हारी और कोई गति नहीं है तुमने ऐसा पाप किया है तो भरत बहुत क्रोधित हो गए हैं बहुत गुस्से में अपनी मां के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं साधारणतः भारतीय संस्कृति इसकी अनुमति नहीं देती है बोलते हैं जब श्री रामचंद्र जी वापस जब आएंगे तभी मेरा कलंक दूर होगा तुमने ऐसा काम किया है भरत धीरे धीरे चेतना पा रहे हैं मंत्रीगण को बोल रहे हैं कि देखिए इसमें मेरा कोई हाथ नहीं इसने जो किया मैं तो शत्रुघ्न के साथ बैठा हुआ था मामा के घर भरत की आवाज चल रही है कौशल्या ने सुन लिया उसे कौशल्या और सुमित्रा साथ साथ हैं कौसलिया बोलती है आगत क्रूर कार्य आया कई कई जो क्रूर कर्म है क्रूर कर्म करती है उसका बेटा भारत आ गया है लेकिन वे तो बहुत दूरदर्शी हैं अच्छे आदमी हैं मैं देखना चाहती हूं कह के कौशल्या बहुत दुर्बल हो गई है कांप रही है कांपते 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 धीरे 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 जा रही है उधर भरत और शत्रु शत्रुघ्न भी मिलने जा रहे हैं और कौशल्या को देखते ही भरत धरती पर गिर पड़े फूट फूट कर रोना शुरू किए कौशल्या को लेकिन कुछ पता नहीं है कौशल्या कौशल्या के मन में इतना दुख है अपने बेटे के लिए कि अच्छा बुरा उनके मन से हट गया है इदम् ते राज्य कामस्य राज्यम प्राप्तम अकंटकम तुम राज्य चाहते थे ना भरत लो तुम्हें यह निष्कंटक राज्य मिल गया शोकातुर मानुष शोकातुर मनुष्य किसी कठोर भाषा का प्रयोग कर सकता है देखते हैं शोकातुर है बेटा कुछ दिन पहले चला गया है उधर और पति देव अभी समाप्त ठाकुर कहते थे मानुष कहते मान में जिसका होश हो मान होश अपने मान सम्मान में अपने स्वत्व में जब शोक होता है उसका स्वत्व उड़ जाता है मनुष्य फिर मानुष नहीं रहता है उसका स्वत्व खो जाता है कौशल्या का स्वत्व खो गया है कहते कि लेकिन खेत की बात है कौशल्या करिए तुम्हारी मां ने अत्यंत क्रूर कर्म के द्वारा इसे पाया है तुम्हारे लिए दुख की बात यही है तुम पाना चाहते थे पागे और कौन सा लाभ तुम्हारी मां ने देखा कि मेरे बेटे को इस तरह से वनवास में भेज दिया अब मैं भी सुमित्रा के साथ वहीं चली जाऊंगी जहां मेरा बेटा है राजा भी नहीं रहे ना क्या करेगी हैं इत्यादि बहुफिर वाक्य क्रूरे संबत् आर्तो नघा इस तरह की बहुत कड़ी कड़ी बातें कह करके बर्सना की कौशल्या ने भरत और भरत मरमाहत हो गए बहुत दुखी हुए वह स्वयं रो रहे हैं हाथ जोड़ करके बोलते हैं यहां से बहुत सारे श्लोक हैं जहां पर भरत कहते हैं कि इसमें अगर मेरी जरा भी सहमति हो तो मुझे यह पाप लगे मैं इनमें से कुछ कुछ चीजों को केवल बोलता हूं बतलाने के लिए कि कैसे बाद में जब मनुस्मृति आदि में इसे संग्रहित किया गया तो किस तरह से इन चीजों को पाप के रूप में देखा गया कहते हैं कि मैं श्री रामचंद्र में प्रगाड़ प्रेम रखता हूं मैंने नहीं किया है और अगर ऐसा मैंने किया हो तो कहते हैं कि गुरु मुख से जो शास्त्र सीखा जाता है उसके मार्ग का अनुसरण करने वाली मेरी बुद्धि नहीं हो जो पापी व्यक्ति होता है अत्यंत पापी अत्यंत वो शास्त्र को सुनता ही नहीं है हम लोग देखिए सब इतना कर रहे हैं ना नहीं सुनेंगे लोग जो उससे कम पापी होते हैं वो सुनेंगे लेकिन अनुसरण नहीं करेंगे समझना पड़ता कि लोग पापी हैं बंगला में कहावत है कि चोर कभी धर्म की कहानी नहीं सुनता है चोर नहीं पापी लोग हम लोग अंग्रेजी में जब लेते थे लोग कहते थे हिंदी में लीजिए बंगला में लीजिए हिंदी बंगला में लेते तभी कोई सुनने वाला नहीं है कहां से सुनेगा कलुषित बुद्धि है पापमय बुद्धि है और कहते हैं कि अगर मैंने ऐसा किया है तो हीन जातियों का सेवक हो वो आदमी बहुत पाप करता है ना तब जाकर के हीन पुरुषों का सेवक पड़ता है बनता है अभी ये जो आईटी इंडस्ट्री आदि हुआ है ना मैं जब सोचता हूं कि कहा चाइनीज अमेरिकन यूरोपियन ये सब जो है ना कैसे कैसे लोग हैं इनकी गुलामी करनी पड़े कितना पाप किया होगा कि दो पैसे के लिए क्या क्या करते हैं और बहुत मजेदार है सूर्य की ओर मुंह करके मल मूत्र त्याग करें हम लोग भी बचपन से जानते थे सूर्य की ओर मुंह करके मल मूत्र विसर्जन नहीं करना चाहिए यहां पर कहते हैं कि इतना पापी हो वो जिसने किया है कि वो भी ऐसा करेगा मैंने इन चीजों को कितना महत्व दिया जाता था और गाय को लात से मारे गाय को आप लात से भी नहीं मार सकते जान मारना तो दूर की बात है अगर उसने ऐसा पाप किया तो गाय को लात से मारे सोचिए इन साधारण चीजों को कितना सम्मान दिया गया था हिंदू संस्कृति यहां अपने आपको आर्य कहते थे परिष्कृत अपने संस्कार के कारण और कहते हैं कि जिनकी अनुमति से ऐसा हुआ है यानी मेरी अनुमति से नहीं हुआ है तो कहते हैं राजा जो छठा भाग लेकर के प्रजावर की रक्षा नहीं करता है जो पाप लगता है वही पाप लगे यहां पर क्या है कि भारत में साधारणतः बोला जाता था छठा भाग इनकम टैक्स आदि जो लेते हैं तो कहते वन सिक्स यानी सिक्सटीन परसेंट यानी भारत सरकार जो कभी कभी थर्टी परसेंट तक ले लेती है ये हिंदू धर्म में अनुमति नहीं है अगर हिंदू लोग इसको लेकर के हल्ला करें देखिए हमारे शास्त्र में बोला गया छठा भाग तो मजेदार हो जाएगी परिस्थिति और लेने के बाद भी राजा अगर रक्षा नहीं करता है उसको जो पाप लगता है वही पाप लगे इससे मैं ना संक्षिप्त संक्षेप में, में कह रहा हूं गुरु के पास जो शास्त्र सुना है सूक्ष्म बातें वह भूल जाए पाप के कारण अगर आपको शास्त्र की बातें याद नहीं रहती है इस कार्ते का आपके पाप किया है इसीलिए आपको नहीं हो रहा है और ऐसे पापी को अगर इसने ऐसा किया यानी मैंने अगर किया है भरत करें तो कोई व्यक्ति गुप्त बात अगर कहे गुप्त बात तो वह दूसरों को प्रकट कर दे इसे मित्र द्रो कहा जाता है और विभिन्न जगह कहा गया है कि सब पाप का प्रायश्चित है लेकिन मित्र द्रोह का प्रायश्चित नहीं है मैंने आपको विश्वास कर कोई बात कही और आप जाकर के वह बात किसी और को बतला देते हैं यह मित्र है और यह अत्यंत गर्ित पाप है कहते हैं यही पाप इसे लगे देखिए कैसे कैसे यहां पर वर्णन कर रहे हैं और जिसके कारण ऐसा हुआ है कह कि भरत अपने बारे में करें उसको अपने अनुरूप पत्नी नहीं मिले और इसलिए अग्निहोत्र आदि नहीं कर सके अग्निहोत्र आदि कर्म का नियम था पति पत्नी दोनों मिल करते थे तो मन के अनुरूप पत्नी अगर नहीं मिलेगी तो अग्निहोत्र कर ही नहीं सकेगा वो तो दिन भर गाली देती रहेगी मैं कहा फंस गई क्यों आई ये दिन भर बैठ करके धर्म कार्य करता है आंख बूंद कर ध्यान करता है मन के अनुरूप इसलिए देखेंगे दुर्गा सप्तशती में बोला जाता है पत्नी मनोरमाम नहीं मनोरमा सुंदर नहीं यहां पर रहता है मन के लायक मन के लायक अगर पत्नी मिलेगी तभी वह आपको धर्म कार्य में आगे बढ़ाएगी सहायक बनेगी भरत अभिशाप दे रहे हैं कि जिसकी सलाह से ऐसा हुआ है यहां पर मंत्रा की सलाह से हुआ तो मंत्रा पर यह सब कुछ जाएगा और वह काम क्रोध के बशीभूत होकर मद्य पान में लगा रहे स्त्री समागम में लगा रहे जुआ में लगा रहे तो एक बीच एक अभिशाप दिए जा रहे हैं और संक्षेप में कहते हैं ऐसे व्यक्ति का मन कभी धर्म में नहीं लगे हमेशा अधर्म में ही लगा रहे मैंने बहुत संक्षेप में आपको बताया कि कैसे एक के बाद एक बोले चले जा रहे हैं कहने का अर्थ है कि मैंने यह नहीं किया है और माया रमतम नित्यम पुरुष पिशुनो सुचि ही ऐसा व्यक्ति जिसने किया है यह या, या हमेशा चुगली खोर हो चुग, जो चुगली करते हैं ना बहुत पापी होते हैं इसकी बात उधर जो लगाता है पिशन वृत्ति बोलते हैं बंगाल में कहते हैं परनिंदा परिचर्चा ये लोग बहुत ही पापी होते हैं इधर की बात जो उधर लगाता है और अपवित्र हो और राजा से हमेशा भयभीत रहे छल कपट में हमेशा लगा रहे यह सब सुनने के बाद कौशल्या थोड़ी शांत हो जाती है बोलते है, नहीं नहीं ठीक है इसके आगे तुम कुछ मत बोलो तुम्हारी बातें सुन करके मेरा दुख और बढ़ा चला जा रहा है मैं समझ सकती हूं कि तुम सत्य प्रतिज्ञ हो तुम्हारा मन धर्म से विचलित नहीं हुआ है और भरत का विलाप चल ही रहा है शांत नहीं हो पा रहे हैं यहां से आता है राजा दशरथ का अंत्येष्टि संस्कार और इसके बाद आएगा कि भरत आदेश देंगे कि सेना चले श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए इसको हम लोग अब अगले दिन इसके बारे में हम लोग विवेचना करेंगे इसके बारे में बातें करेंगे हम लोग समाप्त करते हैं